बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की खास खबर है ओमान स्प्रिंग कमेटी के इजलास के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। और ये खास खबर है ओमान के अंदर लॉकडाउन के हवाले से। ओमान के तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर जो लॉकडाउन की टाइमिंग है वही रहेगी, लेकिन जो दफार गवर्नमेंट है उसकी जो है टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए। और आप लोग देख सकते हैं ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए फैसला है कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दफार यानी कि सलाल और इसके आसपास के इलाकों के अंदर लॉकडाउन लगेगा। और ये लॉकडाउन कब से लगेगा? 4 रमजान यानी कि कल से, यानी कि 17 अप्रैल 2021 से सलाल और इसके आसपास के इलाकों के अंदर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो सल्तनत के अंदर बढ़ रही है, तो इसके पेश नजर अभी ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए ये फैसला किया गया है कि तमाम जो गवर्नमेंट है उनके अंदर जो लॉकडाउन की टाइमिंग है वो ही रहेगी, 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की। लेकिन जो सलाल और इसके आसपास के इलाके हैं उनकी टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए, और शाम 6 से लेकर सुबह 5 बजे तक अब तमाम एक्टिविटी सलाल और इसके आसपास के इलाकों के अंदर बंद रहेगी। तो ये इस वक्त की खास खबर थी। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राफ़िज़ अल अज़ीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।